राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, मैं आपको यहां पर आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय आपको हर रोज हम लोग 3 बजे दोपहर को और रात को 10 बजे आपकी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो करते हैं, आपकी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ में लेकर आई हूँ और वो है शनिदेव जो है वो मार्गी हो गए हैं। जी हाँ, 29 सितंबर को शनिदेव जो है वो मार्गी हो गए हैं। और शनिदेव जो है, आपको पता ही है कि शनिदेव जो है वो 11 मई को वक्री हुए थे। 11 मई को शनिदेव जो है वो वक्री हुए थे और 29 सितंबर को शनिदेव जो है वो मार्गी हो गए हैं। और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि शनिदेव जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मार्गी हुए हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र जो है वो कहलाता है। और आपको पता ही है कि सूर्य और शनि की जो है कभी भी जो है वो नहीं बनी है। बेशक वो पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों का जो है 36 का आंकड़ा जो है वो हमेशा रहता है। और शनिदेव जब भी सूर्य के घर जाते हैं तो वो नीच के, यानी कि पहले घर में जाकर वो नीच के हो जाते हैं। और जब सूर्य देव शनि के घर जाते हैं तो वहां पर सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, जो कि सप्तम भाव होता है। 7 नंबर में सूर्य नीच के हो जाते हैं और शनि वहां पर। तो ऐसे में सूर्य जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य हमारी सरकार का कारक है। आपने देखा ही होगा कि इन 5-6 महीनों में सरकार के साथ में सरकार को कितना जो है पैसों का क्रंच जो है देखने को मिला और हमारा जो है ये जो बीमारी जो है वो बढ़ती चली गई। तो इन सब चीज़ों का भी हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को हमारे को ये सब चीज़ें मिली। तो अब यहाँ पर मैं आपको से बात करूँगी कि शनि जो है वो किस चीज़ के कारक है। शनि जो है आपके पेट्रोल के कारक है, केमिकल के कारक है। शनि जो है आपके बिल्डिंग मटेरियल के कारक है। शनि आपके कंस्ट्रक्शन के कारक है। शनि जो है वो न्यायप्रिय देवता है, न्याय के कारक है। जो लोग अपना काम स्मार्टली करते हैं उनके शनि बड़े अच्छे होते हैं। कई लोग होते हैं पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन जो है गाड़ी चलाते हैं, मेहनत करते हैं, और जो है पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से वो अपनी हार्ड एंड मनी जो है वो एकत्रित कर पाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो इकट्ठा पैसा कर पाते हैं। कई लोग आपने देखा होगा बड़े स्मार्टली वर्क करते हैं और ऐसे स्मार्टली वर्क में 2 घंटे का काम जो है, जो इतना बड़ा काम था उनका, वो एकदम से वो कर और स्मार्टली वो काम करके निकल जाते हैं और वो पैसा जो है वो अटेन कर लेते हैं। तो ऐसे ही स्मार्टली काम जो लोग करते हैं उसे कहते हैं शनि की समझदारी। और ऐसे लोग जो है बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। पेट्रोल के, केमिकल के, इन लोगों के फैक्ट्रीज होती हैं और जितने भी लोग, जितने भी फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनके शनि जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या शनि के मार्गी होने से हमारी 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि पहले आपको अपनी कुंडली के शनि की पोजीशन देखनी चाहिए। आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में शनि जो है अगर वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और वो वहीं पर मार्गी हो रहे हैं तो आपकी डेली इनकम को बढ़ा देंगे। अगर आपके शनि लगन में आए हुए हैं तो आपको जो है कोई बदनामी, कोई शारीरिक कष्ट दे देंगे। तो इस प्रकार से हमें कुंडली देखना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप थोड़ी सी डेट्स को जरूर नोट कीजिए कि 22 जनवरी को, 29 सितंबर को, तो आज जो है आज 28 सितंबर है और कल 29 सितंबर को 10:42 पर शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं। ये अब ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और 22 जनवरी को शनिदेव जो है वो चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। चंद्र के नक्षत्र में, यानी कि जो इस बीमारी से जो फ्रस्ट्रेशन बना, यानी कि लोगों के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स शुरू हुई, अब वो 22 जनवरी के बाद लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी और लोगों के अंदर डिप्रेशन और लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ने वाली हैं। ऐसे आने वाले समय में हमें बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि फलाना बंदे ने सुसाइड कर ली, उसने सुसाइड कर ली, वो डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन के कारण ऐसा हो गया, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में आ गए। और यहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति जो है वो हमारी ख़राब होती भी नज़र आएगी। पैसों का फ्लो वो यहाँ पर जैसे ही शनि जो है वो नक्षत्र चेंज करेगा, उत्तराषाढ़ा से जो है श्रवण नक्षत्र, यानी कि चंद्र के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में 22 जनवरी को जाएगा, उसके बाद ये सारा फ्लो जो है, जो पैसों का है, वो एकदम से आपको क्रंच होता हुआ नजर आएगा। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि शनिदेव के मेष से लेकर मीन की राशि तक के शनिदेव में जो है वो क्या आपकी राशि में फल देंगे। तो अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है वो मेष राशि वालों के दशम भाव के
और 11th हाउस के यानी 10th हाउस और 11th हाउस के आपके स्वामी होते हैं और वहीं से आपके शनिदेव जो है वो मार्गी हो रहे हैं। मेष राशि वाले या मेष लग्न वालों के काम में उनकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो काम उनके खराब हो रहे थे वो उनके काम जो है वो अच्छे हो जाएंगे और उनको लाभ भी उनको मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, तो उनकी किस्मत से शनि देव का गोचर जो है वो चल रहा है और कर्म स्थान से भी शनि देव का गोचर चल रहा है। ऐसे में जब किस्मत और कर्म स्थान का, किस्मत का स्वामी वक्री हो जाए, जब भी ग्रह वक्री होता है दर्शकों, तो वो पीछे के घर का भी फल देना शुरू कर देता है। वृषभ लग्न वालों के भाग्य को शनि देव जो है वो रोक रहे थे, अवरोध पैदा कर रहे थे, भाग्य उनका उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, भाग्य से जो अपॉर्चुनिटीज थी वो नहीं मिल पा रही थी। अब यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। वृषभ लग्न वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। शनि मार्गी, स्लो मूविंग प्लैनेट है शनि, और जब ये मार्गी होते हैं तो अपने अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। शनि आपकी कुंडली में एक ऐसा प्लैनेट है जो अगर आपका जो एक काम जो आपका एक काम जो आपका दो दिन में होना है उसे 20 दिन में करता है, और अगर वो जो मार्गी हो जाता है तो आपको 11 गुना उसका फल जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको अपने भाग्य से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, आपको जीवन में नया जोश, नई उमंग, अपनी सेहत से रिलेटेड जो आपकी चीजें हैं वो भी आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन शनि देव जो है आपके छोटे भाई बहनों को भी देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से, तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपके मन मुटाव और वैचारिक मतभेद जो है वो हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए, तो मिथुन लग्न वालों के अष्टम भाव के और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव। अष्टम भाव आपका मौत का घर और जो है आपका दशम नवम भाव आपकी किस्मत का दरवाजा। यहाँ पर आठवें घर से शनि देव का मार्गी होना आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आएगा, आपको डीप नॉलेज की तरफ लेके जाएगा। मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वालों को कोई गड़ा खजाना, गड़ा हुआ ज्ञान, जो ज्ञान वो अर्जित कर रहे थे उस ज्ञान से अब वो कमाना शुरू करेंगे और उनके लिए जो है ये समय जो है वो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए, तो मेरी डॉटर का भी कर्क लग्न है, वो मुझे देख रही है। तो कर्क लग्न वालों के सप्तम भाव से शनि का जो है वो गोचर होगा और सातवां भाव जो है वो शनि का आपका अपना घर होता है और वहां से उच्च के भाव से शनि का गोचर होना आपको जो है डेली इनकम में बढ़ोतरी, आपके कामों में जो है बढ़ते चले जाएंगे, आपके काम जो है वो होते चले जाएंगे, आपकी डेली इनकम, आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि शनि जो है आपको मेहनत करना सिखाते हैं। जितने लोग भी सफल होते हैं या जितने लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों के बुध और शनि जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग एक एक महीने का काम 2 घंटे में करके निकल जाते हैं और अपना एक महीने में जो उन्होंने कमाना था वो उन्होंने 2 घंटे में कमा लिया। ऐसे लोगों के बुध और शनि जो है वो बहुत बहुत जो है वो बढ़िया होते हैं। तो दर्शकों अब हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए, तो सिंह लग्न वालों की अगर हम बात करें तो सिंह लग्न वालों के छठे भाव से जो है शनि का गोचर होगा। सिक्स हाउस जो होता है हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है। सिक्स हाउस में शनिदेव जो है शत्रु हंता का योग जो है वो बनाते हैं, आपके शत्रु जो है वो आप कटते चले जाएंगे, रोग ऋण शत्रु आपके दबते चले जाएंगे, आपकी बीमारियां जो बहुत समय से आपको परेशान कर रही थी वो आपकी हटती चली जाएंगी। यहाँ पर आपके लिए सिंह लग्न वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए, तो पंचम हाउस से कन्या लग्न वालों के शनिदेव का गोचर होगा। पंचम हाउस अगेन जो है वो सूर्य का घर है, यहाँ पर कोई आपकी बदनामी, कोई पब्लिक डीलिंग, कोई प्यार मोहब्बत जो आपका चल रहा था, बहुत समय से चल रहा था, वो वहां पर आपके ब्रेक आने के चांसेस जो है वो बनेंगे। रिश्ता होते होते आपका अटक जाएगा, शादी की बात चलते चलते रुक जाएगी या कोई रिश्ता होकर टूट जाएगा और आपका पेट से संबंधित बीमारियां आपको लग सकती है और स्टडीज के अंदर आपके रुकावट जो है वो आ सकती है। आपके पति पत्नी के साथ में आपके मन मुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन लाभ आपको मिलता रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी। अपने घर को जब शनि देखेगा तो लाभ आपको देगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपने सतर्क रहने की जरूरत है, पब्लिक डीलिंग को आपको अच्छी तरीके से करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए, तो तुला लगन की अगर हम बात करें तो शनि उनके चौथे भाव से शनि का जो है वो गोचर होगा।
हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी है, मकान आपके बनेंगे, मकान जो बहुत समय से आप सोच रहे थे बड़े मकान में जाने के लिए, बड़ा घर लेने के लिए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी अब सॉल्व हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो वृश्चिक लग्न वालों के तीसरे भाव से शनि का गोचर होगा। यहाँ पर अगर आप वृश्चिक लग्न वाले थोड़ा सा अपने आप को अगर संभाल लेते हैं, थोड़ा मांस मछली अंडा और शराब का सेवन नहीं करते हैं, तो यही शनि आपको तीन गुना ज़्यादा फल देंगे। और आपके भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन थोड़े से खराब हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक डीलिंग को आपकी बहुत अच्छी करवाएंगे। और जितने भी लोग यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उन लोगों के लिए शनि का आना यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपके काम को स्लो तो करेगा, लेकिन आपके अंदर इतनी मेहनत करने की, जो आपके अंदर जो एक मेहनत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो शनि जो है वो आपको मेहनती बनाकर जाएगा, आपको सफल बनाकर जाएगा। यहाँ पर जो है आप बिल्कुल कर्मठ हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों के धन भाव से शनि का गोचर होगा। धन भाव यानी धनु राशि और धनु लगन, ध्यान से सुनिएगा, धनु लगन वालों के धन भाव से शनि का गोचर होगा। लेकिन यहाँ पर धन भाव से जब शनि का गोचर होता है, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर आती है, क्योंकि चंद्रमा का भी घर है, शुक्र का भी घर है, बृहस्पति का भी घर है। तो यहाँ पर चंद्रमा माता को लेकर कोई शारीरिक कष्ट, आपका पैसा कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, लेकिन पैसे आने के बहुत जबरदस्त आपके योगायोग बन रहे हैं। फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, जो 2.5-3 साल से आप परेशान चल रहे थे, आपकी परेशानियां जो है वो खत्म होती चली जाएंगी, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज जो है वो जरूर मिलेंगी। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के बाद हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न वालों की अगर हम बात करें, तो लग्न से शनि का गोचर होगा। और लगन में जब भी शनिदेव आते हैं, थोड़ी सी बदनामी के कारण आपका बन सकता है, ऐसा इंसान कहते हैं। लगन का शनि या तो आपको टॉप पे ले जाता है या आपको बॉटम पे, बीच का रास्ता कोई नहीं होता। शनि जो है आपको टॉप पे लेके जाएगा, बॉटम पे आपके कर्मों के हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है। और दूसरी बात, अब आप ये देखते हैं, क्या कहते हैं कि आप राशि को सुनते हैं, राशि हजारों करोड़ों दुनिया है, उसमें सभी की राशि एक जैसी होती है, सभी कुंडली अलग अलग प्रकार की होती है। लोग कहते हैं मकर राशि वालों के लिए ये है, तो आज मकर राशि वाले सारे जने यही काम करें, ऐसा नहीं होता है। आपकी कुंडली में शनि का ट्रांसिट करेगा, आपकी कुंडली में शनि सुप्त अवस्था में है, शनि जागा हुआ है, शनि की कितनी डिग्री है, वो बाल्यावस्था में है, किशोर अवस्था में है, या मृत अवस्था में शनि बैठा हुआ है, शनि वक्री है, मार्गी है, शत्रु भाव में है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो इन सब चीजों को देखकर अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करके आपकी शनि की महादशा चल रही है, प्रतंत्र चल रही है या अंतरदशा चल रही है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। शनि की 7.5 चल रही है, कंटक शनि चल रही है, ढैया चल रही है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों का थोड़ा सा समय जो है वो कठिन समय है। कोई पुराना कोर्ट केस या कोई पुरानी जो झगड़े फसाद वाली बातें हैं वो आपके साथ में बढ़ सकती है मकर लग्न वालों के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना जो ध्यान रखना है मकर लग्न वालों के लिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। तो कुंभ लग्न वालों के 12वें भाव से शनि का गोचर होगा। 12वां भाव जो होता है वो हमारा जो है शैया का सुख होता है, 12वां घर हमारा खर्चों का होता है। यहाँ पर शनिदेव आपको खर्चा करवाएंगे, 12वां घर हमारा विदेश यात्रा का भी होता है। अब यहाँ पर कुंभ लग्न वालों के अगर दशाएं, प्रतंत्र दशाएं अगर अच्छी चल रही हैं, तो वो विदेश यात्रा में जा सकते हैं, कोई केस भी उनका उठ सकता है, केस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम उनको जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत ध्यान रखने की बात है। और अब हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न वाले या मीन राशि वाले, आप दोनों ही सुन सकते हैं। तो मीन लग्न जो है वो गुरु का लग्न है, और शनिदेव जो है वो आपके 11th हाउस लाभ भाव का स्वामी शनि आपका मार्गी हो रहा है। लाभ और लाभ कमाने के लिए बैठ जाइए। अब आपको जो है जो काम आपके बिल्कुल नहीं होते थे, जो काम आपके अटके हुए थे, जो काम आपके हो ही नहीं रहे थे, वो सारे काम आपके हो जाएंगे। और ये शनि का गोचर जो है एक साल के लिए आपको बहुत 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 बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, अब शनि जो है अपने शत्रु की राशि यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का है, और सूर्य के नक्षत्र में आपका शनि जो है वो विचरण करेगा। अब लोग क्या करेंगे, शनि के उपाय करते रहेंगे, शनि के उपाय करते रहेंगे। अरे भाई, आपको सूर्य के उपाय भी करने हैं। जब आपके सूर्य और शनि आपके दोनों मजबूत होंगे, तभी कहते हैं कि जो प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है
उसको भी देखना बड़ा जरूरी है, ये कहती है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली नक्षत्रों का हमारी लाइफ पर बहुत बहुत इफेक्ट आता है। दो बच्चे एक ही समय पर पैदा होते हैं और वो दोनों जो है अलग अलग नक्षत्र में, एक राजा के घर में पैदा, एक राजा के घर में चले जाता है, एक जो है वो गरीब बन जाता है। आपके नक्षत्र बताते हैं आप क्या काम करेंगे, आपके नक्षत्र बताते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक के साथ में आपके सामने मिलूंगी। और ये था हमारा मेष से मीन राशि वालों के लिए क्या रहेगा शनि का जो है वो गोचर, और यहाँ पर शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का 10:45 पे जाप जरूर कर लीजिएगा। 29 तारीख को आपकी लाइफ में चाहे शनि मार्गी हो, चाहे वक्री हो, चाहे कैसे भी बैठे हो, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और दर्शकों मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है स्प्रेड कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। और जो हम लोग 3 बजे प्रोग्राम देते हैं वो फ्री कुंडली एनालाइजेशन का होता है, दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे। उसमें हमसे फ्री कुंडली दिखाने के लिए जरूर जरूर जुड़िए। राधे राधे।